हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलिए आइए आज की करंट अफेयर्स का डिस्कशन कर लेते हैं। आज 25 जुलाई 2018 का, तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, आज का सबसे पहला सवाल है यहाँ पर दोस्तों, कि कह रहा है कि 2018 एटी कियर्नी एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत जो है कि कैवे स्थान पर है। तो देखिए, इसका राइट आंसर यहाँ पर दो वाला ऑप्शन में हो जाएगा, 11वें स्थान पर है। और आइए चलते हैं अब इसके, देखिए इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट के बारे में भी हम जानकारी अब देंगे। तो देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडिया जो है कि अब ये टॉप 10 में जो आती थी, अब ये टॉप 10 में नहीं रही, अब ये 11वें स्थान पर चला गया है। तो 11वें स्थान याद रखिएगा। और 2017 की अगर मैं बात करूँ तो 2017 में देखिए ये 8वें स्थान पर थी, और 2016 में ये 9वें स्थान पर थी। और इसका कारण जो है कि GST है। तो यही इम्पोर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर, तो ये याद रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है क्या, भारत ने किस देश के साथ रक्षा व्यापार, कृषि, चमड़ा और डेयरी के क्षेत्र में 8 समझौते पर एग्रीमेंट किया है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा रवांडा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के भी मैं बात कर लूँगा। तो यहाँ पर देखिए रवांडा के, तो देखिए यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट में लिख रहा है, इंडिया और रवांडा जो है कि 8 एग्रीमेंट किया है, जिसमें इंडिया के PM मोदी जी और रवांडा के PM आपके पाउल कैगम हो गए, तो ये दोनों मिलकर के ये समझौता किए हैं। इसके अंतर्गत देखिए क्षेत्र में आता है, ये डिफेंस आ जाता है, फिर ट्रेड आ जाता है, एग्रीकल्चर हो गया, लेदर हो गया, डायरी, इन सब के बारे में ये चर्चा किए हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा और नीचे दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट कुछ यहाँ पर फैक्ट है रवांडा के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है ना। बहुत मतलब आपको एग्जामिनेशन में अगर पूछ लिया जाए कि कैपिटल रवांडा की क्या है, तो आपको मतलब लगेगा कि ये कौन सा रिलीवेंट क्वेश्चन पूछ दिया है। तो ये देखिए लेटेस्ट न्यूज है, रवांडा का कैपिटल, रवांडा का करेंसी, रवांडा का प्रेसिडेंट आपसे पूछे तो आप उसको इरिलीवेंट ना माने, है ना। तो देखिए आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ देखिए कैपिटल की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है किगली, है ना। प्रेसिडेंट की बात करूँ तो देखिए प्रेसिडेंट हो गए पाउल कैगम, और करेंसी की बात करूँ तो वहाँ के करेंसी का नाम है रवेंडम फरेंग। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। आइए चलते हैं अब तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है देखिए, सीमा पर लोगों की आजीविका में सुधार के लिए भारत और जो है कि कौन सा देश जो है कि 6 और सीमा हॉट स्थापित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए भारत के अलावा आपका बांग्लादेश है एक और, तो बांग्लादेश यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए देख रहे हैं इसके इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स। तो यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर 4 बॉर्डर पहले से एग्जिस्ट था, है ना। 4 बॉर्डर हॉट्स पहले से था बना हुआ, अब 6 को और बनाया जा रहा है। तो यही मेन रूप से यहाँ पर मुख्य बात लिखा हुआ था, और यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। और अगर बात करो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, तो यहाँ पर ये भी देखिए, यहाँ पर कैपिटल पूछ लेगा बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश का कैपिटल ढाका हो गया। प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट यहाँ के हो गए अब्दुल हमीद, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हो गए शेख हसीना, और करेंसी है टका। तो ये पॉइंट आपको भी याद रखना चाहिए। आइए चलते हैं अब चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है केंद्र ने भीड़ लिंचिंग की रोकथाम के लिए कदम तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की है, और इस समिति का मुखिया कौन होगा। तो देखिए इस समिति का मुखिया आपका हो जाएगा राजीव गौबा। जी हाँ, राजीव गौबा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 में बिल्कुल सही दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि मॉब लिंचिंग क्या होती है ना, जो मतलब कि भीड़ भाड़ में किसी को हत्या कर देते हैं, तो उसी से रिलेटेड है ये वाली खबर। अब देखिए यहाँ पर बात किया जाए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, तो यहाँ पर पॉइंट में आपको यहाँ पर सेंटर है सेट ऑफ द हाई लेवल कमेटी हेडेड बाय द यूनियन होम सेक्रेटरी राजीव गौबा। तो ये राजीव गौबा के अनुसार सेटअप किया गया है, और यहाँ के गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की देखिए, इन्होंने गवर्नमेंट यहाँ के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर नाम का एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर नाम का एक हेडेड बना है,
जो कि इन सॉरी इनका हेडेड देखिए राजनाथ सिंह है, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को भी याद कर लेंगे। और इनके देखिए हेड कौन है, तो राजनाथ सिंह है। और इनसे देखिए राजनाथ सिंह के बारे में कंस्टिट्यूएंसी पूछ लेता है, तो ये दोस्तों आपको पक्का याद रखना पड़ेगा, है ना। तो इनके कंस्टिट्यूएंसी की बात करूँ तो लखनऊ है, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे। आइए चलते हैं अब पाँचवें प्रश्न पे। और ये देखिए पाँचवा प्रश्न भी आ गया स्लाइड पे। देखिए पाँचवा प्रश्न कहता है किस राज्य ने जो है कि 2017 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की है, क्योंकि मार्च 2018 को समाप्त हुए 12 महीनों में विदेशों से प्रवाह 300% जो है कि बढ़ गया है। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों कर्नाटका, जो कि ऑप्शन नंबर एक में ही दिया हुआ है। यहाँ पर कर्नाटका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आइए इसके कुछ मुख्य पॉइंट भी देख लेते हैं। तो देखिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट में आपका मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर कोई भी इम्पोर्टेंट ऊपर नहीं है, सिर्फ ये याद रख लीजिएगा यहाँ पर ये वाली डाटा कर्नाटका रिसीव, यहाँ पर ये पॉइंट आ गया 8.58 बिलियन 2017 से 2018 में इतना इन्होंने मतलब कि रिसीव किया है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये वाले याद करना बहुत अति आवश्यक हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल कर्नाटका की कौन सी है, तो कर्नाटका की कैपिटल है आपका बेंगलोर, और गवर्नर यहाँ पर के हो जाएंगे क्या बैजू भाई वोला, और चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के HD कुमार स्वामी, और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की बात करूँ तो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो गए G परमेश्वरम। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला है प्रश्न आपका किस राज्य ने मोबाइल ऐप बिजली मित्र पेश करने का फैसला लिया है। तो देखिए बिजली मित्र का फैसला आपको लिया है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 भी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट के बारे में जान लें। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको बता दूं मैं कि फार्मर इन राजस्थान विल बी सून एबल टू द गेट देयर डिफंक्ट ट्रांसफार्मर रिप्लेस विद इन द 6 आवर्स ऑफ रजिस्टरिंग द कंप्लेंट थाउ ए मोबाइल ऐप। अब देखिए कोई भी मतलब फार्मर का ट्रांसफार्मर आपका अगर ख़राब हो जाता है तो वो फार्मर मतलब कि एक ऐप के मोबाइल ऐप के जरिए आप उसको मतलब कि कंप्लेन करेगा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट उसको जो है कि मात्र 6 घंटा के अंदर आपका ट्रांसफार्मर में डिफॉल्ट को सुधारेगा या आपको नया देगा। तो यही मेन पॉइंट था दोस्तों, तो ये याद रखेंगे ये मोबाइल ऐप के द्वारा चलाया जाएगा। और यहाँ पर याद रखिएगा राजस्थान के सभी जिलों में ये नहीं किया गया, राजस्थान का एक देखिए मात्र जिला है क्या झालावाड़ा, तो ये भी याद रखिएगा झालावाड़ा के किसान को ही ये वाली मतलब फैसिलिटी मिलेगी, सभी को नहीं मिलेगी। आइए देखते हैं सातवें प्रश्न को। देखिए सातवां प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर सातवां प्रश्न कहता है किस राज्य में केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने 35.8 बिलियन की सड़क परियोजनाओं के लिए आधारशिला रखी है। तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन। अब आइए चलते इसके इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट के बारे में जान ले। तो देखिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा आपका इसका, देखिए यूनियन रोड्स मिनिस्टर नितिन गडकरी लेड द फाउंडेशन ऑफ अस्टम्स ओवर 35.8 बिलियन ऑफ द रोड्स प्रोडक्ट्स। तो ये तो पहला पॉइंट आपको क्लियर होगा दोस्त, और बाकी यहाँ पर देखा जाए तो पॉइंट सारा मतलब इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। अब आइए चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर। अब देखिए आठवां प्रश्न में है आपका दोस्तों, कह रहा है उड़िया फिल्म उद्योग के विकास के लिए एक मसौदा नीति तैयार करने के लिए एक मंत्री स्तरीय समिति की स्थापना की गई है, और ये समिति का नेतृत्व जो है कि कौन करेंगे। तो इस समिति का देखिए नेतृत्व आपके की करेंगे SB बेहरा, है ना SB बेहरा। एक मिनट यहाँ पर देखिए SB बेहरा पांचवा ऑप्शन में सही है दोस्तों, SB बेहरा राइट आंसर इसका हो जाएगा। और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट इम्पोर्टेंट है,
उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है सेट अप मिनिस्ट्रियल कमिटी टू प्रिपेयर ऑफ ड्राफ्ट पॉलिसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ उड़ीसा फिल्म इंडस्ट्री। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट थी, पहला पॉइंट, और बाकी पॉइंट तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैं इसकी कैपिटल की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर कैपिटल इसका हो जाएगा भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। और यहाँ के गवर्नर की बात करूँ तो गवर्नर है आपके गणेशी लाल, और चीफ मिनिस्टर यहाँ के हो जाएंगे नवीन पटनायक। तो ये पॉइंट ये सारे याद रखेंगे। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नौवा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर नौवा क्वेश्चन कह रहा है कि 15वीं राष्ट्रीय युवा एथलीट्स चैंपियनशिप में किस भारतीय शॉर्ट पटर पुरुष ने जो है कि स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा धनवीर सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर पांचवा में दिया गया है। देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका धनवीर सिंह, है ना। आइए चलते हैं इसके कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडियन शॉर्ट पुटर धनवीर सिंह बेग्ड ए गोल्ड मेडल। तो देखिए धनवीर सिंह को मिला है गोल्ड मेडल, और जबकि मिला है अदीस गिलदियाल, है ना, गिल दियाल को, जो कि उत्तराखंड के हैं, वो जीते हैं सिल्वर मेडल। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट में लिख रहा है धनवीर सिंह, और जो है कि अब अर्पणा, सॉरी अर क्या लिखा हुआ यहाँ पे, अपर्णा रॉय, धनवीर सिंह और अपर्णा रॉय, जो कि दो यहाँ पर बेस्ट एथलीट्स ऑफ द नेशनल यूथ एथलीट्स कहलाएं चैंपियनशिप। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए टेंथ वाला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर टेंथ वाला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2018 के अंत तक किस देश में मुद्रा स्फीति जो है कि 10 लाख तक पहुंचाने की उम्मीद है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका वेनेजुएला हो जाएगा। तो वेनेजुएला देखिए आपको पता होगा कि ये मतलब यहाँ पर देखिए मुख्य बातें यहाँ पर लिख रहा है, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए कहता है वेनेजुएला के बारे में मुख्य तथ्य, कहता है इन्फ्लेशन इन द वेनेजुएला इज एक्सपेक्टेड टू द रीच 10 लाख बाय द एंड ऑफ 2018 अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब 2018 के अंत होते तक अब किसी भी वस्तु का दाम मान के चलिए अगर 1 रुपया है ना, तो सीधे वो 10 लाख रुपया का हो जाएगा। कितना बड़ा महंगा हो जाएगा ये देख लीजिए। तो ये बहुत मतलब बहुत बड़ा बदलाव होगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए और पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए आ जाइए नीचे, ये वाली पॉइंट इम्पोर्टेंट है। वेनेजुएला की राजधानी आपका हो जाएगा कैराकस, और प्रेसिडेंट यहाँ के हो जाएंगे निकोलस मदुरे, और करेंसी हो जाएगा बोलीवर फ्यूरिटे। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक लिखा हुआ है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं बता दूँ आपको, ये क्रिप्टो करेंसी आपको दुनिया का सबसे पहला यही वेनेजुएला है जो कि क्रिप्टो करेंसी बनाया है। तो आपको बता दूँ सबसे पहले देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी, मतलब एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु दिया करते थे। अब कुछ दिन के बाद मतलब कि मुद्रा आ गया, तो मुद्रा के बाद में सिक्के चला करता था, तो सिक्के के बाद फिर नोट आया, नोट के बाद फिर आपको देखिए अब की निकालने जा रहा है पेट्रो। तो ये याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट ये वाली पॉइंट भी थी। आइए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। और यहाँ पर अगला प्रश्न जो हम देखेंगे उससे पहले देखिए सारे इसका आंसर है, आप वीडियो के अंत में जाकर के इसका मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, वो बहुत बेटर रहेगा। आइए देखिए यहाँ पर अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा आपको। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में देखिए पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट्स फेडरेशन वर्ल्ड U20 एथलीट चैंपियनशिप के मेजबानी जो है कि कौन से देश की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फिनलैंड, फटाफट इसका जवाब देते जाइए, फिनलैंड इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, दूसरा क्वेश्चन है थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2018 के मुताबिक कौन सा राज्य जो है कि पहले स्थान पर है। तो यहाँ पर केरला राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। अब आइए चलते तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत
खातों के लिए आवश्यक न्यूनतम वार्षिक जमा को कितना घटा करके कर दिया गया है? तो देखिए मात्र 250 रहने दिया गया है, पहले ये टोटल था 1,000 रुपया कम से कम सालाना। चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर सिंगापुर ओपन 2018 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चाओ टीन चेन। थोड़ा नाम बहुत उटपुटांग है, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा चाओ टीएन चेन। तो चाओ याद रखेंगे खाली, आपको आंसर याद रहेगा। आइए पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, हाल ही में मोहम्मद अनास ने खेल में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो देखिए मोहम्मद अनास जो है किस खेल से संबंधित है, मेनली रूप से यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये एथलीट से हो जाएंगे, एथलेटिक्स से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 वाला बिल्कुल राइट आंसर है। छठा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर भारतीय धावक हिमा दास ने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट्स फेडरेशन IAAF विश्व ऑर्डर 20 एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रचा, वह किस राज्य से संबंधित है? तो इसका देखिए मैंने आपको स्पेशल एक वीडियो बनाया है, तो आप जो भी वीडियो देखे होंगे तो उनको तो पक्का ये आंसर पता होगा। इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा असम, और जो नहीं देखे तो प्लीज जा करके आप वो देख लेंगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर, विश्व जूनियर चैंपियन कुनाला बुत बिटिसार को पराजित करने के बाद एशिया जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाला लक्ष्मण सेन तीसरे भारतीय शटलर बन गए। लक्ष्मण सेन जो है कि किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए कि ये आपको संबंधित है आपका उत्तराखंड से, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते अब 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है दोस्तों कि किस भारतीय शख्सियत को मिस एशिया 2018 का ताज पहनाया गया है? जी हाँ, मिस एशिया 2018 का ताज पहनाया गया है। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपको देसना जैन। ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ देसना जैन, इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइए अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा वीडियो आपको जरा सा भी अगर यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देंगे और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देंगे। पुरुषों की श्रेणी में 2017 ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे जो है कि नामित किया गया है? तो ये सुनील छेत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। दोस्तों आज का लास्ट सवाल है, नवाड़ का तो नाम आपने सुना ही होगा। नवाड़ ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला जलवायु परिवर्तन केंद्र किस भारतीय शहर में लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर लखनऊ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहां पर 4 में राइट आंसर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग खुश रहें सदा बिल्कुल, और खाइए बढ़िया से, पढ़िए बढ़िया से, कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, तो हम मिलते हैं कल फिर इसी टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।